नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। जहरीला पदार्थ निकलने से नवविवाहिता की मौत, पति के खिलाफ केस। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के दौलतपुर चौक क्षेत्र के गांव भद्रकाली में एक नवविवाहिता की जहरीला पदार्थ निकलने से मौत हो गई है। नवविवाहिता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नवविवाहिता के पिता मलकियत सिंह निवासी हरवाल लोअर तहसील घनारी जिला ऊना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी की शादी बीते 2 अगस्त को गाँव भद्रकाली निवासी अंकुश के साथ हुई, लेकिन शादी के बाद ही पति, सास, ननद व उसके पति उसकी बेटी को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। हिमाचल में शिक्षकों के 5291 पद भरने को मंजूरी, निर्वाचन आयोग करेगा भर्ती। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के 5291 नए पद भरने को सरकार ने मंजूरी दे दिया। टीजीटी के 2276, जेबीटी के 2521 और शास्त्री के 494 पद भरे जाएंगे। 2600 पद बैचवाइज और 2691 पद सीधी भर्ती से निर्वाचन आयोग भरेगा। शिक्षा सचिव ने इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। टीजीटी आर्ट्स के 1070, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 और टीजीटी मेडिकल के 430 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया को अविलंब शुरू किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी इस संदर्भ में सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैचवाइज भर्ती के तहत टीजीटी के 1135, जेबीटी के 1250 और शास्त्री के 240 पद भरे जाएंगे। शेष पदों को चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। नए चयन आयोग का गठन 1 अक्टूबर तक करने की तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए तैयार किए गए नए नियम, अब गाड़ियों में देवता लाने पर नहीं मिलेगा नजराना। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार गाड़ी में देवता लाने पर प्रशासन की ओर से नजराना राशि नहीं दी जाएगी। अगर देवी देवता को गाड़ी में लाया है तो उन्हें नजराना राशि से वंचित रहना पड़ेगा। नजराना प्राप्त करने के लिए नियम व शर्तें लागू की गई है। गाड़ी में नहीं लाने हैं देवी और देवता। इस बार देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में अधिक देवी देवता के आने की उम्मीद है। इसमें खासकर देवता को गाड़ी में डालकर लाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अगर किसी देवता को गाड़ी में लाते हुए पकड़ा गया तो उस देवता को नजराना राशि नहीं दी जाएगी। नवजात की घटेगी मृत्यु दर, स्तनपान की मिलेगी सुविधा। नई चौक में शुरू होगा स्तनपान प्रबंधन यूनिट। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नए चौक में जल्द ही प्रदेश का पहला स्तनपान प्रबंधन यूनिट शुरू होगा। नवंबर तक इस यूनिट को शुरू करने का लक्ष्य है। स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपम बादन और 2 स्टाफ नर्सें जयपुर से प्रशिक्षण लेकर आई हैं। 3 और स्टाफ नर्सों को अप्रशिक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्तनपान प्रबंधन यूनिट को चलाने के लिए अभी तक 30 लाख की मशीनरी खरीद ली गई है। 45 लाख की मशीनरी जल्द खरीदी जानी है। इसके टेंडर हो चुके हैं। स्तनपान प्रबंधन यूनिट नवजात शिशुओं के ICU और महिलाओं के डिलीवरी पॉइंट के बीच में होना चाहिए, इसलिए इसे श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के तृतीय तल में खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हर्षवर्धन चौहान बोले, 9 माह में 914 नए उद्योगों को दी सैद्धांतिक मंजूरी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 1 दिसंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक प्रदेश में कुल 914 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। भाजपा विधायक विक्रम सिंह के सवाल का लिखित जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि इन उद्योगों की स्थापना से प्रदेश में 13,883 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इन उद्योगों की स्थापना में 2,60,277 लाख रुपए का प्रस्तावित निवेश है। कांगड़ा में 342, सोलन में 155, सिरमौर में 67, ऊना में 64, बिलासपुर में 69, चंबा में 14, किन्नौर में 2, कुल्लू में 17, मंडी में 97, शिमला में 1 और हमीरपुर में 96 उद्योग स्थापित होंगे।